हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर JMS JEE इंटरग्रेट। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के IUPAC नेमिंग सीखा जाएगा, डेट इज अल्केन का आज हम लोग IUPAC नाम लिखना सीखा जाएगा। तो सबसे पहले हमसे दिए, जब भी आपको किसी भी कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करना होगा तो आपको 3 काम करना है। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे लोग, जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करना होगा तीनों काम करना है। पहला हम लोग करेंगे लोग सिलेक्शन ऑफ PC, PC मीन्स पैरेंट चेन। सेकेंड हम लोग काम क्या करेंगे लोग, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। और थर्ड नंबर हम लोग काम होगा नेमिंग। और नेमिंग के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि नेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, इस ऑर्डर को याद रखना है 2, 1, 0, 1 और 2। इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करेंगे लोग। तो जब भी हम लोग IUPAC नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सिलेक्शन ऑफ PC हम लोग देखेंगे लोग। तो सबसे पहले देखिए कंपाउंड को आप सीखा जाएगा कि PC का सिलेक्शन कैसे करते हैं लोग। देन आफ्टर सीखा जाएगा कि नंबरिंग ऑफ PC कैसे करेंगे लोग। और उसके बाद से क्या सीखा जाएगा कि उस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे लोग। ऐसे 3 को रूल हम लोग देखेंगे लोग, हम लोग का नेमिंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी, देखिए यहाँ होता है क्या ना, जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन होगा एक तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें देखिए अन ब्रांच हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें ब्रांचिंग ना हो, तो इसके आपको और नेमिंग करना हो तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। जो वर्ड रूट होगा उसको और लास्ट में प्राइमरी प्रीफिक्स, हम जानते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स जब सिंगल बन होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं लोग, कल बताया था आपको ANE लग जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से एक कार्बन है तो एक के हम लोग वर्ड रूट क्या पढ़ेंगे लोग, मेथ, और लास्ट में ANE लगा देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, मेथेन। दो कार्बन है तो इससे एथेन बन जाएगा, मीन्स ऑन ब्रांच हाइड्रोकार्बन है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, नंबर कार्बन ही काउंट कर लेना है, उसके लिए वर्ड रूट लगा देना है और लास्ट में ANE लगा देना है, वह उसका नेमिंग हो जाएगा। तो ऐसे एग्जांपल के रूप में आपको बहुत सारा दिया हुआ है, आप ऐसे ट्राई कर लीजिएगा और जो भी कन्फ्यूजन होगा हमको ज़रूर बताइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके उस पर कमेंट कर देना है या फिर नीचे जाकर टेलीग्राम पर भी हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं लोग, वहाँ से भी कमेंट्स कर सकते हैं लोग। प्लस टेलीग्राम से जुड़ने से एक और आपको फ़ायदा हुआ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम का आपको जो भी मतलब कि नोट्स होगा पूरा फुल्ली उस पर अवेलेबल है, जाके ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपना PDF ग्रुप ले सकते हैं, क्लियर है। अरे हम लोग का दिक्कत कब होगा, जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ब्रांच वाला होगा तो इस टाइप का जब भी हम लोग कंपाउंड आएगा तो इसका नेमिंग लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का कंपाउंड्स का नेमिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो अभी आपको यहाँ ऑर्डर बताया यह 3 काम करना होगा। सबसे पहले PC का सिलेक्शन करना होगा, फिर PC का नंबरिंग करना होगा और लास्ट में लोग नेमिंग करेंगे लोग। नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे लोग, इस 3 को रूल पे हम लोग उसका नेमिंग डिपेंड करेगा। सबसे पहले सब टीचर का नाम लिखेंगे लोग, उसके बाद अभी तो यह हमको नहीं मिलेगा क्योंकि साइक्लिक नहीं पढ़ना है, उसके बाद वर्ड रूट लगाएंगे लोग और फिर सफिक्स ANE लगा देंगे लोग। मतलब अभी हम लोग 3 चीज़ हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लोग सिलेक्शन ऑफ PC कैसे करते हैं लोग, क्लियर है। तो PC का सिलेक्शन करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, हेडिंग देना है सिलेक्शन ऑफ PC, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा लोग ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम ना हो बाद में। ये सिलेक्शन ऑफ PC हो गया। जब भी आपको PC का सिलेक्शन करना हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या ले चलेंगे लोग, दैट कार्बन का चेन को PC मानेंगे लोग जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। सबसे पहला हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि यदि यह क्या हो जाए, फेल हो जाए, इफ नॉट, मतलब यदि 2 या 2 से अधिक चेन ऐसा हमको मिले जिसमें कार्बन का नंबर बराबर आ जाए, अभी देखेंगे लोग कैसे बराबर आता है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, तो हम लोग डेड उस कार्बन के चेन को PC मानेंगे लोग जिसमें हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
सब्टीट्यूएंट मीन्स क्या होता है जी? ब्रांच। सब्टीट्यूएंट किसे कहेंगे लो? जो कि हम लोग अपने में भाषा में कहेंगे लो ब्रांच, ब्रांच को ही सब्टीट्यूएंट कहेंगे लो। तो आइए हम लोग सीखते हैं लो कि कैसे पीसी का सिलेक्शन करना है एग्जाम्पल से। सपोर्टेड मान लिया हमारा यह कंपाउंड्स हो गया, या दो कंपाउंड है, इसके हम लोग पीसी ले लेना है। तो इसका हमने पीसी मान लिया कैसे हो गया, और इसका हमने पीसी मान लिया ऐसे हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सा पीसी सही है, तो आपको बस पहला काम क्या है, दोनों में नंबर काउंट कर लेना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है। जब 5 कार्बन है तो इसमें हम लिख देंगे लो 5 कार्बन हो गया। इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। तो सबसे पहला रूल हम लोग का क्या कह रहे हैं, सबसे पहला रूल कहता है कि उस कार्बन के चेन को पीसी मानना है जिसमें क्या हो जाएगा कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे लो, यहाँ से देखे लो जी, अब यहाँ छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये पहला रूल हम लोग क्या कहता था जी कि दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पैरेंट चेन व्हिच कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें 5 कार्बन है, जबकि इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। जिसमें मैक्सिमम कार्बन होगा वो हमारा सही हो जाएगा, जिसमें कम कार्बन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला रूल ऐसे कहते हैं। दूसरा के लिए हम लोग फिर से एग्जाम्पल को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। दूसरा रूल के लिए एग्जाम्पल एक हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। मान लीजिए कि इसमें हम लोग पीसी ऐसे ले लिए लो, और फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये देखिएगा तो दोनों एग्जांपल बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सा पीसी सही होगा। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है, तो हम लोग क्या कर देंगे लो 5 कार्बन लिख देंगे लोग। इसमें देखिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है, इसमें भी कितना हो गया, इसमें भी 5 कार्बन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में सही कौन है। तो आइए हम लोग रूल का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर से आपको बताते हैं दोनों में सही कौन होगा। हाँ जी, ये क्या कह रहा था कि दैट कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया। तो हम लोग इस रूल से क्या करेंगे लो, आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा, तो नेक्स्ट रूल के पास जाएंगे लो। यह क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि हमको ब्रांच चाहिए। तो इसमें देखिएगा, देखिए ब्रांच कितना है, इस सबको हम लोग एक ब्रांच काउंट करते हैं, जबकि इसमें हम लोग देखेंगे लो तो एक कहाँ हमको ब्रांच मिलेगा, एक यहाँ ब्रांच मिलेगा और एक कहाँ ब्रांच मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट होगा कि इसमें एक ही वो सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ना इस बार सही कौन हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड्स का पीसी का सिलेक्शन करना हुआ तो इस तरह से करेंगे लोग। पहले क्या देखेंगे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, वह सेम हो जाएगा। तो क्या देखेंगे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। अभी आपको PDF में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का सीखना है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। अरे नंबरिंग कैसे कीजिएगा, नंबरिंग ऑफ पीसी, इसके लिए लोएस्ट लोकल नंबर रूल होता है, तो उसको अभी समझेंगे लो। पहले हम अपना ट्रिक एक बता देते हैं, इमेजिंग ट्रिक समझ लीजिए लो, उसके बाद वह देखना है, उसके हम लोग फिर आपको स्लाइड को पढ़ा पढ़ के समझा देते हैं कैसे होता है। फर्स्ट रूल इसमें क्या दे, सिलेक्शन ऑफ पीसी होगा तो मैक्सिमम रूल आएगा, और नंबरिंग का जब भी बात होगा तो यहाँ आपको क्या सीखना है, यहाँ आप लोग नंबरिंग का जब भी बात आ जाएगा तो यहाँ मिनिमम रूल चलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, नंबरिंग उस साइड से करेंगे लोग जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाए, कम से कम नंबर मिले। इफ नॉट, यदि यह क्या हो जाए जी, फेल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, नंबरिंग किस साइड से करेंगे लोग, मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल
अल्फाबेटिकल प्रायर सब्टिट्यूएंट। अरे आपको बस क्या याद रखना है कि जब दोनों साइड से सब्टिट्यूएंट का नंबरिंग सेम होगा तो हम लोग किसको देखेंगे, अल्फाबेटिकल प्रायर सब्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देंगे। आइए हम लोग एक पहले एग्जांपल से सीखते हैं लोग। सपोज है देखिए इसको क्या करना है, ऐसे हम लोग एक कंपाउंड ले लिया लोग, इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग सब्टिट्यूएंट डाल दिए, तो इसका अगर पीसी कहा जाएगा लेने के लिए तो इसका पीसी हम लोग कैसे लेंगे लोग, ये तो ऐसे ही हो जाएगा इसका पीसी, क्योंकि लंबा चेन यही हमारा हुआ, नीचे भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन। हम नंबरिंग करना है तो नंबरिंग पहले दोनों साइड से कर लेते हैं लोग। इसके सबसे पहले नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, क्लियर है। इधर से हमने पूछा सब्टिट्यूएंट कौन है, तो सब्टिट्यूएंट यह है, तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक बार इधर से भी हम नंबरिंग करके ट्राई करते हैं लोग, इधर से कीजिए तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा और 4 हो जाएगा, तो इधर से हमारा नंबरिंग सब्टिट्यूएंट पोजीशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे लोग, दोनों में से छोटा कौन है, तो नीचे वाला छोटा है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें लोग, यहाँ पॉलर रूल क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉलर रूल से मिनिमम नंबर ऑफ सब्टिट्यूएंट, मतलब उस साइड से नंबरिंग करेंगे लोग जिस साइड से सब्टिट्यूएंट क्या हो कम से कम नंबर आए। नेक्स्ट हम लोग का रूल को समझते हैं लोग, ये नेक्स्ट एग्जांपल पहले देखते हैं लोग, फिर हम लोग समझते हैं लोग। मान लिया यहाँ मिथाइल हो गया, यहाँ पे इथाइल हो गया, क्लियर है, तो इसका हमसे पीसी कहा जाएगा। देखिए पीसी का भी रूल आपको यहीं पे भी बताते हैं, देखिए कैसे आप पीसी सिलेक्ट कीजिएगा, जहाँ जहाँ मोर होगा आपको पता ही है कि हम लोग दिक्कत कहाँ होगा कहीं जाने में, वहीं पे होगा, तो मोर को सबसे पहले टिक आउट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ से हम लोग किस साइड जाएंगे, जिस साइड मैक्सिमम कार्बन होगा, तो इधर जाएंगे तो 1 2 कार्बन, इधर पे तो 1 और 2 कार्बन, यहाँ से हम लोग सीधे चले जाएंगे लोग, यहाँ से ये 1 2 3 और नीचे एक मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे। अब नंबरिंग तो अभी हम लोग दोनों साइड से कर लेंगे लोग, तो यहाँ से पहले कर लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इधर से देखिए सब्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आएगा, एक तो यह सब्टिट्यूएंट है और एक यह सब्टिट्यूएंट है, तो इधर से हमारा सब्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है जी, इधर तो सब्टिट्यूएंट का पोजीशन यहाँ ले लेते हैं, कितना है पहला 3 पे है और दूसरा कितना पे है, 4 पे है, तो 3 हो गया और 4 हो गया। आइए हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं लोग, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इधर से हमारा सब्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या आ रहा है जी, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, यानी कि देखिए अब क्या हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा रूल क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ सब्टिट्यूएंट, अब यहाँ देखिए दोनों साइड से सब्टिट्यूएंट पोजीशन कितना रहा है, 3 4 3 4, यानी कि सब्टिट्यूएंट पोजीशन इस पर दोनों साइड से क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, नेक्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे लोग। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट रूल कहता है कि हम लोग पीसी का नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से अल्फाबेटिकल प्रायर सब्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर है, तो इधर से करते हैं लो। तो देखिए अब दोनों सब्टिट्यूएंट का आपको नेमिंग करना होगा, तो और इसके आप लोग नाम लिखेगा लो, तो इसका 2 कार्बन है तो 1 और 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं लो, ईथ, और 1 हाइड्रोजन के लिए YL हो जाएगा, इसमें एक ही कार्बन है तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, तो पहले इथाइल आता है, तो देखेंगे इथाइल को किधर से कम नंबर मिल रहा है, तो इथाइल को इस साइड से 3 मिल रहा है और इस साइड से कितना मिल रहा है, 4, तो 3 वाला सही होगा, 4 वाला गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग काम करना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी कंपाउंड्स के IUPAC जब ब्रांच हो, ब्रांच वाला का आपको जब भी नेमिंग करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, 3 को रूल को अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ पीसी, जो कि हम लोग 2 रूल सीखे लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और दूसरे का देखे लो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्टिट्यूएंट।
जब यह रूल फेल हो जाएगा तो क्या देखेंगे लोग, तो सेकेंड रूल करेंगे नंबरिंग ऑफ पैरेट चेन। और यह भी जब काम कर लेंगे लो, इसके लिए भी हम लोग दो रूल ही सीखे लो, मिनिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो हम लोग अब नेमिंग करेंगे लो। नाम लिखने के लिए आपको बस क्या करना है, नाम लिखने के लिए इस रूल को याद रखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे लो, उसके बाद हम लोग वर्ड रूट और रूट वर्ड देखेंगे लो, और फिर सफिक्स में हम लोग लास्ट में ए एन ई लगा देंगे लो। तो ये आप स्लाइड से हम लोग सीखते हैं लो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझना है। देखिए ब्रांच में होगा तो जो मेन हम लोग होगा उसको हम क्या करेंगे लो, प्रिंसिपल और पेरेंट चेन करेंगे लो। और जो यहाँ हम लोग का मिलेगा, जो यहाँ बाहर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं लोग। और रूल फॉर नेमिंग, नेमिंग क्या होगा उसको लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे लोग, फिर बाद में उसका नेमिंग करेंगे लोग। अरे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग के लिए बस आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको यहाँ बता देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का जब भी नेमिंग करना होगा तो यहाँ सीख लीजिए लोग, सपोर्टेड हमें इसका नेमिंग लिखना है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा लो जी, इसका जहाँ से बाहर निकला हो वहाँ स्टार लगा लेना है, और इसका नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करना है। तो दो कार्बन है तो दो के लिए कर लेंगे लो इथ, और एक हाइड्रोजन हटा हुआ है तो एक हाइड्रोजन कहीं से आपको हटा हुआ दिखाई दे उसके लिए वाई लगा देना है। सेम इसी तरह से अगर यह हो जाए तो इसका नेमिंग और लिखने होता है क्या करेंगे लो, इसका हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देंगे लो, और नंबरिंग यहीं से करेंगे लो, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री कार्बन के लिए क्या लिखते हैं लोग, प्रोप, और एक हाइड्रोजन के लिए वाई एल कर देना, तो क्या हो जाएगा जी, प्रोपाइल हो जाएगा। सेम वही करना है जब ऐसे हम लोग का दे दिया जाए, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे लो, सबसे तो पहले स्टार लगा लेंगे लो, और हम लोग नंबरिंग भी कहाँ से करेंगे, इसका पी सी यहीं से करेंगे लो, इसी साइड जाएंगे लो, इधर ज़्यादा कार्बन होगा तो वन हो जाएगा, टू, तो नाम सबसे पहले किसका लेके आएगा, इसका, तो टू पे क्या हो जाएगा जी, मिथाइल हो जाएगा। और दो कार्बन है तो दो के लिए इथ, और एक हाइड्रोजन हटाया तो वाई एल, मिथाइल इथाइल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोग, सॉरी ऐसे मान लिया दिया हुआ है, तो इसका नेमिंग और सबसे पहले आप लोगों का पीसी का सिलेक्शन करना होगा, तो पीसी कैसे लीजिएगा लोग, तो इसका तो हम लोग ऐसे यहाँ स्टार बना लेंगे लो। अब यहाँ से उस साइड जाएंगे जिस साइड मैक्सिमम कार्बन होगा, तो देख इधर जाएंगे तो वन टू कार्बन, नीचे गए तो एक कार्बन, तो इसलिए हम लोग इधर चले जाएंगे लो। नंबरिंग तो जहाँ स्टार होगा जहाँ से हार्डवेयर निकालेंगे वहीं से करेंगे लो, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे लो, इसका, तो कहाँ जुड़ा हुआ है, वन पे, तो वन मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद थ्री कार्बन है तो प्रोप, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो प्रोपाइल हो जाएगा, वन मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग जब भी करना होगा तो ऐसे ही करेंगे लो। एक लास्ट एग्जांपल लो, थोड़ा सा टॉप देख लेते हैं लो। जिसमें इसका आप लोग का कह दीजिए नंबरिंग करने के लिए, इसका तो सबसे पहले आप लोग का फिर पीसी लेना होगा, तो पीसी कैसे ले, यहाँ हम लोग स्टार बना लेंगे लो, यहाँ से उस साइड जाएंगे जिधर ज़्यादा कार्बन होगा, किधर भी जाइएगा सेमी कार्बन मिलेगा, नंबरिंग भी यहीं से करेंगे लो, वन टू थ्री हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा जी, अब ये सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है, दो पे एक ऊपर है और एक नीचे है, तो यहाँ से लिखेगा टू कोमा टू, दो है तो डाई मिथाइल, और थ्री कार्बन के लिए प्रोपाइल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग का नंबरिंग लिखना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं लोग क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ स्लाइड चेक कर लेते हैं लोग। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए सी एच फोर है, एक हाइड्रोजन हटाया तो सी एच थ्री बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, फिर सी टू एच फाइव होगा तो इथाइल, इसी तरह से आप लोग करना है। अब देखिए इसका लिखने के लिए क्या कीजिएगा लो, बस ये याद रखना है, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप। कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप के लिए क्या करना है, तो लोएस्ट लोकल नंबर और ब्रांच जो होता है उसको फॉलो करेंगे लो, ठीक है, यहाँ इसको लेके चलेंगे लो। और नेक्स्ट के लिए क्या कीजिएगा आप,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब क्या होता है एंड ऑफ द ब्रांच, जहाँ से हम लोग यहाँ जुड़ा होता है यहीं से इसका नंबरिंग स्टार्ट। यहाँ भी कहाँ होगा, कहीं एक सर्च होगा, तो इसका प्रोपाइल हो जाएगा, मिथाइल इथाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल अभी जो कि बताए। तो आई होप कि यहाँ समझ में आएगा कि इसका पी सी ऐसे हम लोग लिए हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में ये सब देख लेना है। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो आप लोग अभी क्या करना है, स्क्रीन शॉट इसका ऐसे ही ले लेना है। अब ये सेचुरेटेड और ब्रांच हाइड्रोकार्बन का हम लोग का नेमिंग करने के लिए, नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा जी, तो लोएस्ट लो लॉन्गेस्ट चेंज रूल चुनने के लिए, जो कि अभी आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेंज रूल कहते हैं। तो ये पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट हम लोग क्या होगा, इफ द लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब सेम हो जाएगा, जैसे मैं दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा देखिएगा, तो सेम होगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 5 कार्बन है, इसमें भी कितना है 1 2 3 4 और 5 है, इसमें भी 5 कार्बन हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे लो, सब्स्टिट्यूशन, इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन, एक यहाँ है और एक यहाँ है, जबकि इसमें कितना है, पूरा का पूरा एक ही हुआ है, तो इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक में एक ही हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग का फिर देखना है, जिसमें अब यहाँ का हो गया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट नंबर, जिसमें नंबरिंग के लिए हम लोग किस चार से करेंगे, जिस चार से कम नंबर है, जिसमें इधर से देखिए कितना रहा है, एग्जाम्पल के रूप में बताया गया 3, नहीं पहला को पहला से कंपेयर करेंगे इक्वल होगा, तो दूसरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे वो भी इक्वल, तीसरा को तीसरा से करेंगे लोग, तो यहाँ 3 आ रहा है जबकि यहाँ कितना आ रहा है 4, तो जो कम होगा वो सही होगा, जो ज़्यादा होगा वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सेट विल भी देखिए यहाँ से इसको एग्जाम्पल ग्रुप में बताया गया है, जब हम लोग यहाँ से करे के लो तो 1 2 पे मिथाइल आया है, देखिए इधर से करते लो 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल आते हैं, तो पहला तो ही होगा, तो इसीलिए क्या होगा 2 पे आ गया, 4 पे आ गया और 6 पे आ गया, तो 2 4 6 ट्राई मिथाइल, उसके बाद से क्या हो जाए टोटल कार्बन कार्बन है 12 को है, तो 12 के लिए क्या होता है 2 डेकेन होता है, तो ट्राई मिथाइल 2 डेकेन हो जाएगा। सेम उसी तरह से नीचे वाला कीजिएगा, तो उधर से कीजिएगा तो ज़्यादा मिलेगा, इधर से कम मिलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 4 5 ट्राई मिथाइल, और यहाँ 10 हुआ है तो 10 का क्या होता है डेक, और सिंगल वन है तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे लो, AN लगा देंगे लो। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखिए साइड चेन जब भी होगा तब इसमें देखिए, जब भी देखिए हम लोग जो ब्रांच होता है यहाँ का इथाइल है जबकि यहाँ मिथाइल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे लो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब यह हुआ कि जो पहले आएगा उसका नेमिंग पहले करेंगे लोग, जैसे हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, इथाइल पहले आता है, तो इसीलिए इथाइल का नेमिंग पहले होगा, और मिथाइल बाद में आता है तो मिथाइल का नेमिंग बाद में करेंगे लोग, लास्ट में पेंटेन 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंटेन लिख देंगे लोग। नेक्स्ट यही हम लोग का देखा जाएगा, ये नेक्स्ट क्या होगा, जो रूल इज है समझ लेना, डाई ट्राई टेट्रा ये सब जो होता है इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं लोग, इसमें जब भी डाई ट्राई टेट्रा आपको दिखाई दे तो हम लोग यहाँ ई से कंपेयर करेंगे, यहाँ ई से करेंगे। आपको ट्रिक बता देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा अगर नाम में लिखा होगा तो इसको कंसीडर करेंगे लोग, सब्स्टिट्यूशन का नंबर बता रहा होगा तो इसको नहीं काउंट करेंगे। जैसे मैं यहाँ देखिए डाई मिथाइल, यानी कि डाई यहाँ क्या बता रहा है, मिथाइल का नंबर बता रहा है कि एक और एक 2 मिथाइल है, तो यहाँ जो डाई है अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं होगा, और यहाँ इथाइल है तो इसीलिए इथाइल पहले आएगा, डाई मिथाइल बाद में आएगा। लेकिन अभी जस्ट नीचे देखेंगे लो, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये तो लोएस्ट लोकल नंबर अल्फाबेटिकल में यदि अकॉर्डिंग का होगा उसको काउंट नहीं करना है। जैसे नंबरिंग जब भी करेंगे लो तो हम लोग दोनों सेट से यदि सब्स्टिट्यूशन के समान हो जाएगा तो हम लोग उस सेट से नंबरिंग करेंगे जिस सेट से अल्फाबेटिकल प्रायर सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर आएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ आप नंबरिंग जब भी कीजिएगा तो यहाँ से हम लोग करते लो तो 1 2 3 आता है, और यहाँ से भी 1 2 3 आता है, तो दोनों साइड से सेम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे लो, इथाइल पहले आता है तो इथाइल को कम नंबर देंगे लो, और मिथाइल को ज़्यादा देंगे लो, इसीलिए यह करेक्ट हो जाएगा, और यह हमारा नंबरिंग क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ नहीं कहे डाई ट्राई टेट्रा पैरेंट मतलब नेम जो होता है कॉम्प्लेक्स के साथ में हुआ, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अपना ट्रिक आपको बता रहे हैं क्या करना है, थोड़ा नाम पर एक गौर कर देना, देखिए यहाँ क्या करा है डाई मिथाइल इथाइल लिखा हुआ है, तो यहाँ डाई मिथाइल इथाइल क्या बता रहा है कि इसका नाम है डाई मिथाइल इथाइल, तो ये नाम के साथ में जुड़ा हुआ है तो ये डाई को कंसीडर करेंगे लोग। जबकि यहाँ क्या था, यहाँ ही जो डाई लगा हुआ था ये बता रहा था कि एक और एक 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से नंबर बताएगा तो कंसीडर नहीं करना है, नाम बताएगा तो कंसीडर करना है। जिसमें यहाँ क्या बता रहा है
इस सब टीचर का नाम क्या होता है, डाइमिथाइलेथाइड होता है, क्योंकि इस पूरा का नाम लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको हम लोग कंसिडर करेंगे लोग। और यहाँ देखिए 3 पे है और 5 पे, दो को इथाइल है तो 3 और 5 डाई इथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टन कर देंगे लोग। नेक्स्ट हम लोग का देखना है, नेक्स्ट जैसे में अब ये सब क्या करना है आप लोग का, ऐसे मतलब कि एग्जांपल ग्रुप में बहुत सारे ऐसे दिए हुए बना हुआ भी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो और इसको घर में प्रैक्टिस करना है, जो भी डाउट्स होगा हमको बताइएगा लो। नेक्स्ट मतलब लेक्चर में फिर आप लोग का इसका हेल्प कीजिएगा। तो इस सब ऐसे एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लेना है जिसमें इसी का हम लोग नेमिंग करना होगा। तो इसका नाम क्या होता है, इसका मिथाइल इथाइल होगा, इसका भी नेमिंग क्या होगा जी, मिथाइल इथाइल होगा, जबकि यह मिथाइल है। तो पहले अल्फाबेट में कौन आता है, मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लिख देंगे लो, ये दोनों मिथाइल इथाइल सेम है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए डाई न लिख के हम लोग 20 लिखेंगे लो, 3 होता है तो उसके लिए 30 लिखेंगे लो, 4 होगा तो टेट्राकिस होगा, 5 के लिए पेंटाकिस ऐसे आएगा। और उसके बाद से मिथाइल इथाइल हो जाएगा और लास्ट में 7 कार्बन, 7 के लिए हेप्ट और सिंगल बना तो ए नहीं लिख देंगे लोग। तो इसको स्क्रीन शॉट कीजिए, इसको बनाइए और हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा फिर बताइएगा, हम लोग उसको हेल्प करेंगे। और ये भी आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और यहाँ से बहुत सारा आपको मतलब प्रैक्टिस के रूप में दिया हुआ है। तो आप लोग प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिस कीजिए लो, बनाइए लो, सेंड कीजिए लो, जो भी डाउट्स होगा हमको बताइएगा लो, स्क्रीन शॉट कर लेना है और फिर से यहाँ उसका आंसर दिया हुआ है मिला लेना है। और कोई डाउट्स हो कमेंट्स करना है, प्लस आपको रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर भी करना ना भूलें, क्लियर है। और आपको इस चैनल पे मतलब ऑल सब्जेक्ट का साइंस के लिए मतलब कि बेहतर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है।